गाइस रिंग्स क्यों पहनी जाती हैं? क्या रिंग्स पहनना जरूरी है? अगर हाँ तो इन्हें पहनने का सही तरीका क्या है? जी हाँ, 80% लोगों को नहीं पता कि रिंग्स किस तरह पहनी जाती हैं। बहुत से लोगों ने एक्सेसरीज को पहनने के बहुत से तरीके बताए हैं, जैसे वॉच, ब्रेसलेट और रिंग्स। तो भाई रिंग्स तो पहने, लेकिन किस तरह और कितनी पहननी चाहिए ये बहुत ही कम लोग बताते हैं, और आप लोग पहली मिस्टेक यही कर देते हैं। तो भाई आज मैं आपको 5 बेसिक रूल बताऊंगा हाउ टू वेयर रिंग्स फॉर परफेक्ट लुक, और इन रूल्स को बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रूल इज अंडरस्टैंड दैट एवरी रिंग सेंड अ मैसेज। आप जो भी रिंग्स पहनते हो तो वो एक दूसरे बंदे को मैसेज देती है, और ये मैसेज बेसिकली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट कि आप शादीशुदा हो, सेकंड आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, थर्ड आपने इसे अपने शौक के लिए पहन रखा है। आप किसी को जाके बताओगे तो नहीं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी शादी हो गई है, तो इन रिंग्स को पहनने से पता चल जाता है। इसके अलावा रिंग्स एक दौलत और पावर को भी जाहिर करती है, जैसे गोल्ड की रिंग्स होती हैं। अगर कोई गोल्ड की रिंग या वॉच पहनता है तो इससे एक दूसरे बंदे को सिग्नल मिलता है कि ये कितना रिच है। तो अब बात करते हैं कि रिंग्स को पहनकर हम खुद को क्या शो करते हैं। सो अगर आप रिंग को लिटिल फिंगर में पहनोगे तो ये एक पर्सनल स्टेटमेंट को शो करेगी कि आपने इसे अपनी मर्जी या शौक के लिए पहन रखा है। एंड अगर आप इसे इंडेक्स फिंगर में पहनोगे तो ये एक अफिलिएशन को शो करती है कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। एंड अगर आप इसे रिंग फिंगर में पहनोगे तो इससे ये आपको मैरिड शो करेगी कि आप एक शादीशुदा बंदे हो, यू हैव अ वाइफ। आई होप कि आप फर्स्ट रूल समझ गए होंगे। सेकेंड रूल इज बैलेंस यूअर रिंग्स अक्रॉस बोथ हैंड्स। तो आपने इस तरह सारी फिंगर्स में रिंग्स को नहीं डालना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, और इस तरह रिंग्स को पहनने से कोई मतलब जाहिर नहीं होता। हाँ, पहले जमाने के बादशाह और शहंशाह पहना करते थे, बट आज के टाइम ये सब नहीं चलता। तो आपने सबसे पहले इन्हें बैलेंस करना होगा। जैसे अगर आपको लेफ्ट हैंड में वेंडिंग बैंड और वॉच पहनी हुई है तो आपने राइट वेस्ट पर ब्रेसलेट को पहनकर इन्हें बैलेंस करना है। इसके अलावा अगर आप एक और भी रिंग पहनना चाहते हो तो उसे आपने राइट हैंड फिंगर में ब्रेसलेट के साथ पहनना है, इससे दोनों हाथ बैलेंस्ड लगेंगे। एंड थर्ड रूल इज पे अटेंशन योर रिंग्स प्रोपोर्शन। देखे भाई, रिंग्स को अपनी फिंगर में पहनने के बाद लिटरली इसे एक बार अच्छी तरह से देखना है कि आया वो रिंग्स आपके हाथ में अच्छी लग भी रही है या नहीं। सो अगर आपके हाथ बड़े और मोटे हैं तो आपको इस तरह की बड़ी रिंग्स पहननी चाहिए, और इस तरह की रिंग्स में ये 3 शेप बेस्ट रहेंगे जो कि ओवल, स्क्वायर और राउंड शेप है। एंड अगर आपके फिंगर्स स्लिम हैं तो अपने बैंड को पतली और कम्पैक्ट रखना, एंड आप अपनी फिंगर्स में इस तरह की रिंग्स पहन सकते हो। एंड ऐसी रिंग्स में मुख्तलिफ डिजाइन बनी होती हैं, लोगोज बने होते हैं और नाम भी लिखे होते हैं, एंड इस तरह की रिंग्स को वेंडिंग बैंड कहते हैं, और ये रिंग्स मैरिड या अफिलिएशन को शो करती हैं। बट अगर आप अपने स्लिम फिंगर्स में पर्सनल स्टेटमेंट को शो करना चाहते हैं तो भाई आप इस तरह की रिंग्स पहन सकते हो। एंड वेंडिंग रिंग्स में आपने सिल्वर और गोल्डन कलर की रिंग्स लेनी है जो कि प्रीमियम लगती हैं, एंड ब्लैक कलर की रिंग्स भी काफी हद तक सूटेबल होती हैं। सो फोर्थ रूल इज मैच द मेटल्स ऑफ योर रिंग्स। लिटरली आपने अपने हाथों में मेटल्स को मैच रखना है। जैसे अगर आपने लेफ्ट हैंड में सिल्वर रिंग और वॉच पहनी हुई है तो आपके राइट हैंड में गोल्डन रिंग या ब्रेसलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। सो अगर आपके लेफ्ट हैंड में सिल्वर रिंग या वॉच पहनी हुई है तो राइट हैंड में भी सिल्वर रिंग या ब्रेसलेट होना चाहिए। इसी तरह अगर लेफ्ट हैंड में गोल्डन है तो राइट हैंड में भी गोल्डन होने चाहिए। सो अब आप खुद देखें कि कितना प्रीमियम लुक दे रही है। एंड फिफ्थ रूल इज वेयर योर रिंग्स विद कॉन्फिडेंस। अब जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो क्या फायदा। सो अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में आपने रिंग्स को पहनकर रोजाना अपने घर के इर्द गिर्द घूमना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको ये फील ना हो कि आपके फिंगर्स में अब कोई रिंग्स नहीं है। स्टेप 2 में इसे आपने दोस्तों के गिफ्ट पहनना शुरू करना है, देन आपने देखना है कि आया वो रिंग्स को नोटिस कर रहे हैं या नहीं।
एंड लास्ट इम्पोर्टेंट स्टेप यह है कि इससे पहले कि आप रिंग्स को लोगों या अपने फ्रेंड्स के दरमियान पहनना शुरू करें, आपने इनके बैड कमेंट सुनने के लिए माइंड को रेडी रखना है। इससे ये होगा कि आपका माइंड सेट होगा, फिर चाहे वो जितनी बातें करें आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई आई होप ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी आपके लुक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।